2,000 years later. तो भाई लोग, तुम्हारा भाई फिर से वापस आ चुका है। लेकिन हाँ यार, मैं मानता हूँ इस चीज को कि मैं काफी दिनों के बाद वापस आ रहा हूँ। सही बात। बट इसकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, तो खैर उसको छोड़ते हुए, और ऐसा लगता है कि एक दिन ग्लूअल का समाज ही खत्म हो जाने वाला है। मगर क्यों? बट उसको मैं खत्म नहीं होने दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बंदे जो है ना, नॉर्मल ग्लूअल अभी भी परफॉर्म करते हैं अपने गेम के अंदर। बट अगर ऐसा हो कि मैं तुम लोगों को सीधा बता दूं किस तरीके से तुम लोग एक स्टाइलिश ग्लूअल परफॉर्म कर सकते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो भी इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को एक ग्लूअल टेक्निक नहीं बताने वाला हूं, पूरी की पूरी 3 ग्लूअल टेक्निक बताने वाला हूं। लिटरली मैं गाइस, यार इसको परफॉर्म करने के बाद, या फिर अगर तुम लोग इसको परफॉर्म करना सीख जाते हो, तो समझो तुम लोग ग्लूअल के मास्टर हो चुके हो। एंड तुम लोग को कोई भी कस्टम जैसे गेम प्ले के अंदर से लेके सीएस जैसे मैचेस में भी कोई बंदा इजीली तरीके से तुम लोग को कभी भी नहीं मार पाएगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोग को जो भी ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ, लिटरली मैं गाइस यार बहुत ही फास्टेड तरीके से तुम लोग परफॉर्म कर पाओगे। एंड यहाँ पे मैं तुम लोग को बैक रन ग्लूअल एंड सीटअप ग्लूअल एंड उसी के साथ में 360 ग्लूअल। अब देखो, ये तीनों ग्लूअल टेक्निक ऐसी टेक्निक है जहाँ पे तुम लोग के सामने अगर एनिमी 3 या 4 भी होते हैं, या फिर 2 भी एनिमी होते हैं, तो ऐसे टाइम पे ये तीनों ग्लूअल टेक्निक तुम लोग को अपने गेम के अंदर बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। यस गाइस, यार बढ़ते हैं अपनी वीडियो की टॉपिक की तरफ। बट उससे पहले, अगर तुम लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखो, यहाँ पे जो सबसे पहला मारा था बैक रन ग्लूअल को लेकर, अब देखो जैसा कि तुम लोग अगर मेरा वीडियो पहले से भी देखते आ रहे हो, उनको बैक रन ग्लूअल ज्यादा इजीली तरीके से परफॉर्म करने आता भी होगा। एंड ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिनको परफॉर्म करने नहीं आता होगा। पर देखो, अगर परफॉर्म करने की बात आती है तो बहुत ही लोगों को आता है, बट अगर देखा जाए बहुत ही फास्टली तरीके से परफॉर्म करने के लिए, तो काफी सारे बंदे क्या होते हैं, बीच बीच में अटक जाते हैं। बट यहाँ पे अगर मैं तुम लोग को बता दूं, अगर तुम लोग यहाँ पे मेरी अकॉर्डिंग अगर चलते हो, तो तुम लोग कहीं भी अटकने वाले भी नहीं हो। यानी कि तुम लोग का जो एनिमी होता है या फिर जो करेक्टर होता है, वो जगह पे नहीं खड़ा होगा। बट अगर तुम लोग यहाँ पे इसका पूरी तरीके से एनालाइज करते, तुम लोग बहुत ही फास्टली तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा आता है बैक रन ग्लूअल को लेकर। अब देखो, नॉर्मली तरीके से देखा जाए, बैक रन ग्लूअल जिस तरीके से तुम लोग का एनिमी होता है, उसी डायरेक्शन में तुम लोग का उसके अपोजिट साइड में तुम लोग को मूव करना होता है। अब यहाँ पे तुम लोग को ये चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि जैसे ही तुम लोग मूव करते हो, बट यहाँ पे एक चीज और, तुम लोग का लेफ्ट फायर बटन ऑन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि तुम लोग बिना लेफ्ट फायर बटन के बैक रन ग्लूअल कभी भी परफॉर्म ही नहीं कर पाओगे। तुम लोग का एनिमी जिस भी डायरेक्शन में होता है, उसी के अपोजिट डायरेक्शन में तुम लोग को रनिंग करना होता है। एंड उसी के डायरेक्शन में तुम लोग को लाइक कुछ इस तरीके से अपने कैरेक्टर को जंप करके मूव करना होता है। अब लाइक यहाँ पे अगर तुम लोग कुछ इस तरीके से देखोगे, यहाँ पे लाइक कुछ मैं इसी तरीके से मूव करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं मूव करता हूँ ना गाइस, वैसे ही अपने ग्लूअल वाले बटन के ऊपर टैप करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं जैसे ही एनिमी के डायरेक्शन में पहुंचता है मेरा कैरेक्टर, वैसे ही डायरेक्शन में मैं यहाँ पे अपने लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, भी या 3 या 4 बार ज्यादा से ज्यादा क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पे अपने कैरेक्टर को लाइक कुछ इस तरीके से लेफ्ट राइट की तरफ घुमाते हुए, फिर से अपने कैरेक्टर को, जैसे ही मेरा कैरेक्टर नीचे की तरफ आता है, फिर से अपने जंप वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। एंड फिर से उसी के डायरेक्शन में मूव करता हूँ, एंड फिर से मैं लेफ्ट फायर बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखो, ये प्रोसेस तुम लोग को बहुत ही ज्यादा इजी लगेगा, बट अपने गेम के अंदर जैसे तुम लोग फास्टली तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करोगे ना, तो तुम लोग का कैरेक्टर जगह जगह पे खड़ा हो जाएगा। अब इसके लिए तुम लोग को एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना कि जैसे ही तुम लोग के कैरेक्टर का पैर जो नीचे की तरफ आने लगे, यानी कि जमीन की तरफ, तो वैसे ही टाइम पे तुम लोग को जैसे ही जमीन पे टच होता है, वैसे ही फिर से तुम लोग को अपने जंप वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड लाइक कुछ इस तरीके से अपनी स्क्रीन को रोटेट करते हुए ना गाइस यार बार बार ग्लूअल परफॉर्म करना है। लिटरली बता रहा हूं गाइस, तुम लोग जैसे ही 5-6 बार परफॉर्म करोगे, वैसे तुम लोग को इजीली तरीके से समझ में आ जाएगा, जिससे नॉर्मली तरीके से तुम लोग उसमें परफॉर्म कर पाओगे। यस गाइस यार, तुम लोग इस चीज को इजीली तरीके से समझ जाओगे। एंड उसके बाद जो आता है सीटअप ग्लूअल को लेकर, देखो सीटअप ग्लूअल परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है वी के टाइम पे, क्योंकि नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो बहुत ही इजीली तरीके से बहुत सारे बंदे ग्लूअल परफॉर्म कर पाते हैं। देखो सीटअप ग्लूअल फास्टली तरीके से परफॉर्म करने के लिए ना गाइस यार, अब देखो सबसे पहले जब भी हम लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हैं, अक्सर करके क्या होता है ना गाइस यार, कि हम लोग का जो एम होता है पूरे नीचे की तरफ नहीं आता है, एंड उसके एनिमी के पास ही जाके ग्लूअल लग जाता है। अब देखो यहाँ पे तुम लोग को एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है कि तुम लोग को कभी भी गाइस यार अपने फायर बटन को ना, या तो तुम लोग को एकदम बीच में रखना है, ना कि तुम लोग को ज्यादा नीचे की तरफ रखना है, ना कि ज्यादा तुम लोग को ऊपर की तरफ रखना है, लाइक कुछ इस तरीके से गाइस यार, तभी तुम लोग इजीली तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। अब तुम लोग को यहाँ पे ये चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना कि जैसे तुम लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हो, अब देखो गाइस यार, तुम लोग को यहाँ पे इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान देना कि जैसे तुम लोग एनिमी के ऊपर फायर करते हो, अब यहाँ पे जैसे तुम लोग फायर कर चुके हो गाइस यार, वैसे तुम लोग को अपने एम को बहुत ही फास्टली तरीके से फायर बटन के जरिए से नीचे की तरफ से खींचना है। अब यहाँ पे जब तक तुम लोग को खींचना, जब तक तुम लोग का जो एम होता है लाइक कुछ यहाँ पे इस तरीके से ना आ जाए। अब यहाँ पे तुम लोग को इतना ध्यान देना कि जैसे तुम लोग का एम नीचे की तरफ यहाँ पे लाइक कुछ इस तरीके से आ जाता है, वैसे ही गाइस यार तुम लोग को 0.0 सेकंड के अंदर क्राउच वाला बटन क्लिक करते हुए ग्लूअल वाले
बटन के ऊपर टैप करना है, लाइक कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैंने टैप कर दिया, अब यहाँ पे वैसे ही तुम लोग को चाहो तो तुम लोग लेफ्ट फायर बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, और चाहो तो तुम लोग अपने फायर बटन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, जिससे तुम लोग बहुत ही इजीली तरीके से परफॉर्म कर पाओगे। एंड इसका फास्टली तरीके से परफॉर्म करने का जरिया यही है गाइस यार, कि तुम लोग इसको हमेशा इस चीज का अगर जब भी ध्यान देते हो एंड 0.0 सेकंड में तुम लोग अपने क्राउच वाले बटन से लेके एंड ग्लू वाले बटन के ऊपर जब से ही टैप करना सीख जाते हो तो समझो तुम लोग का बहुत ही फास्टली तरीके से लगेगा। एंड अक्सर करके तुम लोग को कोशिश ये करना है कि तुम लोग को हमेशा अपने रन वाले बटन से लेके गन आइकन को जरूर छुड़ाने की कोशिश करना है, क्योंकि बहुत सारे बंदे क्या करते हैं ग्लू परफॉर्म करते समय हमेशा अपने हाथ में गन लेके परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना गाइस यार, उनका मूवमेंट भी परफेक्टली तरीके से नहीं हो पाता है एंड उनका ग्लू भी बहुत ही फास्टली तरीके से नहीं लगते हुए दिखाई देता है। एंड उसके बाद जो आता है 360 ग्लू को लेकर, अब देखो 360 ग्लू बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है। अब देखो इस ग्लू टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए सिंपली तुम लोग को कुछ करना नहीं होता, तुम लोग को क्राउच वाले बटन के ऊपर अपने टैप करना होता है लाइक कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे तुम लोग को टैप जैसे ही करते हो वैसे गाइस यार तुम लोग को अपने फायर बटन से, तुम लोग को कभी भी गाइस यार लेफ्ट फायर बटन से परफॉर्म नहीं करना है, तुम लोग को कभी भी गाइस यार अपने फायर बटन से परफॉर्म करते हो उसके अपोजिट साइड से ग्लू वॉल को कुछ इस तरीके से रोटेट करना है अपने फायर बटन को। एंड अपने ग्लू वाले बटन के ऊपर टैप जैसे एक बार तुम लोग करोगे वैसे तुम लोग अपने फायर बटन से रोटेट करते हुए चले जाओगे, इसी तरीके से गाइस यार तुम लोग का ग्लू वॉल परफॉर्म होते हुए दिखाई देगा 360 ग्लू वॉल। तो बस यार गाइस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप गाइस यार आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर करना, मिलते हैं गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में।